ना इडली, ना बर्गर, ना कोई बड़ा। आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे, बहुत ही स्पाइसी, जिसको आप कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। तो सबसे पहले हमने बारीक वाला रवा लिया। रवा आपके घर में जो भी हो, मोटा या पतला, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो और साथ में हम एक कप मठा डालेंगे। अगर आपके पास दही है तो आप दही भी ऐड कर सकते हो। उसमें आधा दही और आधा पानी डाल के उसको मिक्स करके तो उसका मठा तैयार हो जाएगा। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें डालना स्किप नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी डालना बहुत ज़रूरी है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, इसी में हमने मिक्स कर लिया है इसको, और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसको बैटर बनाना है। थोड़ा थिक बैटर तैयार करना है हमें इसका, तो नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और ये देखिए इस तरीके से बन गया है। और अब हमने खूब सारी वेजिटेबल्स ली हैं। कैप्सिकम है, अनियन है, कैरेट है और ग्रीन चिली है। इन सबको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, बिल्कुल फाइन चॉप कर लेना है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो भी वेजिटेबल्स आपको और अच्छी लगती हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन के तैयार होगा। तो देखिए, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी वेजिटेबल्स और मसाले पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये अभी काफ़ी थिक है। और अगर आपको जल्दी है, जल्दी से बना के खाना है, तो आप इसमें गुनगुने पानी के साथ इसका बैटर तैयार कर सकते हैं। अगर या तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए मिक्स करके रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उससे क्या कि सूजी अच्छे से फ्लफी हो जाएगी। तो देखिए, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर, क्योंकि हमें अभी खाना है, तो फटाफट से हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 टीस्पून के अकॉर्डिंग हमने इनो ऐड कर दिया है इसमें। और इसको एक्टिव करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे क्या इनो काफ़ी अच्छे से एक्टिव हो जाता है। तो देखिए, अब इसको एक बार फिर से हम मिक्स करेंगे क्योंकि अब इसमें इनो हमने ऐड कर दिया, तो इसमें काफ़ी फ्लफी बन आ जाएगा और बहुत ही अच्छा, मतलब एकदम फ्लफी सा नाश्ता बन के तैयार होगा। तो देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब ये बैटर तैयार हो चुका है। और इधर देखिए, हमने पैन पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था गैस पे, और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी राई डालेंगे, राई को अच्छे से तड़कने देंगे, और थोड़ी सी हम तिली ऐड करेंगे, सेसमे सीड्स, मतलब इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से भून लेंगे, हल्का सा ही भूनना, ज़्यादा नहीं, पूरे में अच्छे से फैला देना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने बहुत अच्छे से पूरे में पैन में अच्छे से फैला दिया है इसको। और अभी हमने जो बैटर बना कर रखा था ना, वही बैटर इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। तो इतने बैटर के अंदर कम से कम 2 से या 3 बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने बैटर स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन के अंदर, और इसको अच्छे से इवन कर देंगे, पूरा एक सा स्मूथ दिखना चाहिए ऊपर से, बिल्कुल इस तरीके से। और अब हम इस पैन को ढक के रख देंगे। तो 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से लो फ्लेम पे ढक के कुक कर लेंगे। तो देखिए, 10 मिनट में 1 साइड से ये अच्छे से कुक हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी और लगा देंगे, इससे क्या टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये ऑप्शनल है, आप अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको टर्न कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये दोनों साइड से सिक के तैयार हो जाएगा। और अब हम इसको फिर से हम ढक देंगे, और 5 मिनट के बाद देखिए अच्छे से नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।